गाइस, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो आज मैं मलिया फूडी में आप सबके लिए लेके आई हूँ कलेजी की रेसिपी। तो कलेजी की रेसिपी बनाने के लिए मैंने ली हूँ 1 किलो कलेजी, 1 कप दही, 1 कप मैंने ली हूँ प्याज, इसको मैंने मिक्सर में ग्राइंड कर लिया है। यहाँ थोड़े से मैंने धनिया ली हूँ और यहाँ है थोड़े खड़ा मसाला। खड़े मसाले में मैंने ली हूँ तेज पत्ता, लौंग, काली मिरी, इलायची, जीरा। यहाँ है थोड़े मसाले, मसालों में मैंने ली हूँ 1/2 चम्मच गरम मसाला, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच जीरा पाउडर, 1/2 चम्मच हल्दी और 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट। तो आइए चलिए अब हम हमारी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं कलेजी को मैरिनेट कर लूँगी। मैरिनेट करने के लिए सबसे पहले मैं अदरक लहसुन का पेस्ट ले रही हूँ, 1 चम्मच ली हूँ अदरक लहसुन का पेस्ट, 1/2 चम्मच हल्दी, 1/2 चम्मच गरम मसाला, 1/2 चम्मच जीरा पाउडर, 1/2 चम्मच धनिया पाउडर और अब मैं लूंगी लाल मिर्च का पाउडर, वो मैंने पूरा 1/2 चम्मच ली हूँ। अब हम इसमें दही डाल देंगे, दही मैंने पूरा 1 कप ली हूँ और इसे अच्छे से मैरिनेट कर लूंगी। अब हम इसमें नमक डालेंगे, नमक हंसते जाएगा। अब हमने इसे अच्छे से मैरिनेट कर लेना है। 5 मिनट के लिए हम इसे रेस्ट करने के लिए रख देते हैं, जब तक मैं मसाला बना लूंगी। ये आप देख सकते हैं कुकर हमारा गर्म हो चुका है। अब हम इसमें तेल डाल रहे हैं, दो चम्मच तेल लिए हैं। अब हम इसमें सारे खड़े मसाले डाल देंगे और इसे अच्छे से सॉटे कर लेंगे। साथ ही साथ हम इसमें प्याज डाल देंगे और इसे अच्छे से सॉटे कर लेंगे। ये देखिए हमारी प्याज अभी अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो चुकी है। अब हम इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देंगे और इसे अच्छे से सॉटे कर लेंगे। अदरक लहसुन डाल के हमने 2 मिनट तक इसे भून लेना है। ये हमने इसे अच्छे से भून लिए हैं। अब हम इसमें धनिया पाउडर डाल देंगे, साथ ही साथ जीरा पाउडर और हमारे सारे मसाले डाल देंगे, जैसे कि हल्दी, गरम मसाला और लाल मिर्च पाउडर और इसे अच्छे से सॉटे कर लेंगे। अब हम इसके अंदर हमारी कलेजी डाल देंगे। अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये हमने इसे अच्छे से मिक्स कर लिए हैं। अब हम इसमें 1 गिलास पानी डाल देंगे और इसकी 4 सीटी ले लेंगे। अब यहाँ पर हमारी 4 सीटी हो चुकी है। अब हम इसे चेक कर लेते हैं। ये देखिए अब हमारी कलेजी बिल्कुल तैयार है। अब हमने इसे अच्छे से भून लेना है। अब कलेजी बिल्कुल तैयार है, हमने इसे 5 मिनट तक भून लिए थे। अब हम इसे धनिया से गार्निश करेंगे। बहुत यम्मी लग रहा है। अब हमने इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है। तो ये हो गई हमारी कलेजी की रेसिपी तैयार। अब हम इसे सर्व कर लेंगे। ये हमने कलेजी को सर्व कर दिए हैं। ये देखिए अब हम आपको इसे टेस्ट करके बताएंगे। अब हम इसे टेस्ट कर रहे हैं, माशाल्लाह से बहुत अच्छी बनी है।
हमारी कलेजी। आप भी ये रेसिपी जरूर ट्राई करें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें।